हेलो एवरीवन, प्रगति प्राइम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए संस्कृत शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके, जो आपके लिए सीटेट में चाहे का केवीएस है, चाहे आपका अन्य कोई शिक्षक परीक्षा है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण उपयोग रूढ़े शब्दों यथा संख्या एतत् सूचयते। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ शब्द यथा संख्या इतर सूचित, क्या सूचित करना चाहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि शास्त्र व्याकरणम च। क्यों? क्योंकि ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को सूचित करता है, अर्थात ये कहना चाहता है कि व्याकरण के अभ्यास द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है और ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है। ये दोनों रूढ़ी शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम। तो क्या है नियंत्रण नाम है, यानी कि ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है। तो इसमें दे रखा है आपका, देखते हैं नियंत्रण का क्या नाम रहेगा। तो निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है, यानी भाषा शिक्षण नियंत्रण किससे होगा, तो भाषा शिक्षण का जो नियंत्रण होगा वो व्याकरण के उपयोग से होगा। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यथार्थम निर्धारितम व्याकरणस्योगे। ठीक है, व्याकरणस्य उपयोगे, यानी भाषा शिक्षण का जो नियंत्रण होगा वो किससे होगा, वो व्याकरण से होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रे कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नेव शोधनीया यतः। यानी ये कहना चाहता है कि छात्रों के जो भाषा दोष होता है उसके लिए अध्यापक को क्या शोध करना चाहिए, कैसा कैसे पता लगाएंगे वो। तो इसमें आपका हो जाएगा, प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करते हैं, प्राय कौन, छात्र। तो उसके लिए इस प्रकार अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्राय दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति, यानी कि भाषा के भाषा दोष जानने के लिए क्या करें, अध्यापक को विशेष ध्यान देना होगा। ठीक, चलिए, क्योंकि छात्रों को जो भाषा दोष है उसके लिए प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संबंध। ठीक है, क्या है, शिक्षा संबंधी मूलभूत अधिकार संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वयकृतः। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा के संबंध में मूलभूत अधिकार संविधान में कब स्वीकार किया गया था, शिक्षा संबंध में मूलभूत अधिकार संविधान में कब स्वीकार किया गया। तो ये हम लोग जानते हैं कि कब किया गया है, हर जगह आपका त्रियशित में लिखा हुआ है, त्रिय नवंती लिखा हुआ है, षटवतीत में लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि षट सीत में, यानी कि 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा संबंध यानी कि मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, इसके अंतर्गत 21A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 21A जोड़ा गया था, और उसमें प्रावधान किया गया था कि हर राज्य विधि में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये सभी राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर के लिए है ना, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितम उत्तम उपयोग। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशलम, पठन कौशल पढ़ने के कौशल के, परीक्षितम परीक्षण का उत्तम उपयोग बताना है, सबसे उत्तम उपयोग क्या है। तो सबसे उत्तम उपयोग आपका रहेगा, बिल्कुल सही बात है आपका, सी ऑप्शन इसमें ना बिल्कुल सही हो जाएगा, उचित काठिन्य स्तरणाम। ठीक है, उचित
काठिन्य स्तरणाम आदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदनाम या उपयोग है, यानी किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, उचित एवं कठिन स्तरों का आदृष्ट पूर्ण एवं अनुच्छेदों का उपयोग किया जाता है किसके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उचित उपयोग, ठीक है, सबसे उत्तम उपयोग क्या रहेगा, तो सबसे उत्तम उपयोग उन्हें बताया कि उचित एवं कठिन स्तरों के लिए आदृष्ट पूर्ण एवं अनुच्छेदों का उपयोग किया जाए, अनुच्छेदों का उपयोग किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है छात्राणाम स्वायत्तताम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारीषु मार्गेषु एकः, ठीक है, इसके लिए आपका रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है इसमें, परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहन, यानी कि छात्रों से प्रश्नों का पूछा जाना उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, छात्रों के लिए जो उन्नति प्रदान करेगा वह मार्ग कौन सा रहेगा, तो जब छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करेंगे, इससे उनमें क्या है अध्ययन के प्रति विशेष रुचि बन जाती है और प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उनकी अपनी ज्ञान गरिमा का बोध होता है, ठीक है, प्रोन्नति उनके ज्ञान गरिमा के स्वायत्तताम यानी स्वयं की ज्ञान गरिमा का क्या होता है उन्हें बोध होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक कालनस्य प्रधान उद्देश्य, ठीक है, रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य यानी रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ए क्या दे रखा है, हाँ बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य क्या है यानी रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बोध या ज्ञान, ठीक है, बोध या ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करना, अर्थात ज्ञान के अध्ययन का ज्ञान के आकलन का रचनात्मक द्वारा किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलन के लिए प्रधान उद्देश्य क्या है, तो बोधन क्या है, बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम, ठीक है, कि बोधन बोध का या ज्ञान का अध्ययन की उन्नति करना, ठीक है, बोधन का या ज्ञान के अध्ययन का उन्नति करना, बोधन अध्ययन उन्नति करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपका व्याकरण बोधनस्य उत्तम उपाय बताइए, ठीक है, यानी व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय, तो क्या रहेगा व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय आपका रहेगा क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग है, यानी व्याकरण के ज्ञान के लिए कार्याणाम माने क्रियात्मक, ठीक है, व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग है, एकीकृत उपयोग अनिवार्य है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एकीकृत का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि छात्रों को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए जो व्याकरण को वेद और व्याकरण को क्या कहा गया, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, ठीक है, बच्चों को क्या कराना चाहिए, उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए एकीकृत व्याकरण का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाषा अध्ययनेन आकलेन च विभागे नाम, यानी कि भाषा के अध्ययन में भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम बताना है, किस क्या नाम है, भाषा अध्ययन आकलन च विभागे, ठीक है, भाषा अध्ययनेन आकलन च विभागे नाम बताना है, यानी कि भाषा के अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें,
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। छात्राया, कालिका, कार्य संग्रह या तस्या प्रगति दृश्यते, ठीक है, यानी कि छात्राया, कालिका, कार्य संग्रह या तस्या प्रगति, अर्थात कह सकते हैं छात्रों का, कालिका माने समय अनुसार, कार्य संग्रह माने कार्यों का संग्रह, तस्या माने यह माने तथा तस्या माने उसकी प्रगति, यानी प्रगति को देखना चाहिए, ठीक है। क्या है कि छात्रों का, कालिका माने समय अनुसार कार्य संग्रह यानी कार्यों का संग्रह, यह तथा तस्य उसकी प्रगति माने प्रगति को दृश्यते माने देखना चाहिए, ठीक है। भाषा अध्ययन आकलन चा विभाग के क्या नाम है, तो ये आपके आंसर हो जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग कहाँ होना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कहाँ होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवनस्य अभिवृत्ति नाम, मौल्यानाम, जीवन कौशलम, आकलन, ठीक है। इतिवृत्त अभिलेखन उपयोग यानी कि इतिवृत्ति के अभिलेखों का उपयोग कहाँ होना चाहिए, मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठस्य संवेग परिष्परणम नाम क्या है, कि पाठ के संवेग परिष्परण का नाम क्या है। तो आपका दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल अशब्द सूचना तज्जनम, ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अशब्द सूचना तज्जनम, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पाठ में जो भी सूचनाएं उससे अशब्द हो, अर्थात उस पाठ से संबंध ना रखती हो, अशब्द माने क्या है, उससे संबंध ना रखती हो, उनका क्या कर देना चाहिए, तो उन सूचनाओं का, ठीक है, उन सूचनाओं का, उन जानकारियों का क्या कर देना चाहिए, त्यजनम, त्याग देना चाहिए, ठीक है, उनका क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। इसे ही पाठ का संवेग परिस्परण कहा गया है, ठीक है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतर्ध उपयुज्यते, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने बताया कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुज्यते, यानी कि कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है, ठीक है। कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों प्रक्रियाओं का क्या करती है, उपयोज्यते, प्रयोग करती है, ठीक है, करती है, तो उसका क्या प्रयोग है, ठीक है, उसका क्या मतलब है, क्या करना चाहती है वो, तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल सही आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विविध छात्र प्रकाम आवश्यकता पूरी तुम, यानी वो क्या करना चाहती हैं, वो कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं, ठीक है, विविध छात्र प्रकाराम यानी कक्षा में विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के क्या छात्र रहते हैं, और उन सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहती हैं कक्षा अध्यापिका, ठीक है। चलिए तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, चित्रांकन पेचार्ट मध्य च प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम
रचितुम यता छात्रा निर्दिष्टा तदा प्रधान उद्देश्यम भवति। ठीक है, यानी वो कहना चाहते हैं कि चित्रांकन में विषय से संबंध पहचान, ठीक है, उनके मध्य चित्रांकन में पहचान के मध्य या उनके मध्य प्रदान करना चाहती हैं या प्रदान करके, ठीक है, किन उन विषयों का प्रदान करके या उपयोग करके प्रबंधों या उपायों का क्या करेंगी, रचयितुम यदा जब छात्रा निर्दिष्टाम तदा प्रधान उद्देश्यम भवति। यानी वो कहना चाहती हैं कि उन उपायों का प्रबंधन या उपायों का प्रयोग करके कब जब छात्र को निर्दिष्ट या निर्देशित किया जाता है तब उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, प्रधान उद्देश्यो भवति, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा चित्रांकन शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम, यानी चित्रों का शब्दों के रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। ठीक है, शब्दों के रूप में विषयों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यदा अध्यापिका अवगमने कलेशान न्यूनताम च ज्ञातुम परीक्षाम करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। ठीक है, यानी जब यदा माने जब अध्यापिका कलेशानाम यानी कक्षा में अवगमन यानी आगमन करती हैं या आती हैं, ठीक है, आती हैं और चा और न्यूनताम न्यूनता के ज्ञातुम ज्ञान की परीक्षा करती है तादृशी, तो उस परीक्षा का क्या उपचार है, क्या उपयोग है। सिद्धि परीक्षा करना चाहती है, निपुण परीक्षा या निदानात्मक परीक्षा या उपचारात्मक परीक्षा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कि तो उसे उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। तो वो किस प्रकार की परीक्षा है, तादृशी परीक्षा एवं भवति, वह किस प्रकार की परीक्षा है, तो वो उपचारात्मक परीक्षा है। ठीक है, अर्थात इसमें छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, इसमें छात्रों की कमियों का क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रा कथाया अंतम परिवर्त्य कथाम पुनर्लिखितुम यदा निर्देशन्ति तथा प्रधान उद्देश्य, यानी प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, कक्षा के अंत में जब छात्रों से क्या है, परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों को कथा के अंत में परिवर्तन करके कथा पुनः लिखने के लिए कहा जाए, तब क्या निर्देश है उनके लिए, प्रमुख निर्देश क्या है। ठीक है, लिखने की जब निर्देश दिया जाता है तो प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, लिखने के लिए जब उन्हें निर्देश दिया जाता है तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रधान उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए है आपका ऑप्शन। तो वे क्या करना चाहती हैं, छात्रों का सृजनात्मकता वर्धनम, छात्रों में सृजनात्मकता की शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, यानी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, आया समझ में। सीधी सी बात है, जब छात्रों को कथा सुना दी गई यानी कि कहानी सुना दी गई और कहानी सुनाने के बाद में अंत में उनसे फिर दोबारा कहानी लिखने के लिए अगर कहा जाता है या सुनाने के लिए कहा जाता है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षिका का क्या होता है, तो वो यही जानना चाहती है कि बच्चे अपनी तरफ से किस तरह से कहानी सुना पाएंगे या किस तरह से कहानी लिख पाएंगे, तो उससे क्या होता है, वो छात्रों के सृजनात्मकता का
और रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।